हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। इस व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने पापा का ऑफिस। ये बहुत ही स्पेशल व्लॉग होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि इस व्लॉग में मेरे साथ है मेरे पापा और हम लोग जाने वाले हैं पापा का ऑफिस। जैसे बचपन में हम लोगों का एक सपना होता है कि पापा का ऑफिस कैसा है, पापा कैसे काम करते हैं। हम लोग जब छोटे होते हैं तो बहुत उत्सुकता होती है जानने की, तो मुझे ये इस बार मौका मिला है देखने का, समझने का। मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ अपने पापा का। मेरे पापा BCCL में 33 इयर्स काम कर चुके हैं और अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। लास्ट प्रोजेक्ट इनका लोधना एरिया था, तो हम लोग आज जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कोयला कैसे बनता है, कैसे निकाला जाता है, माइनिंग कैसे होती है, और स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अभी कोयला राजधानी धनबाद में और हम लोग जा रहे कोल माइंस देखने के लिए, जो कि तीसरा थाना के अंदर आता है, MOCP। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी ये जो आप देख रहे हैं, ये एरिया जो है वो क्वार्टर्स है दोनों साइड। मुकुंदा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, जो कि बहुत रिस्की एरिया में आता है, फायरिंग जोन है। यहाँ कोल में ज़मीन के अंदर ही आग लग गई है, इसके वजह से थोड़ी दूर में आपको हर जगह ज़मीन के अंदर से धुआं दिखाई देता हुआ दिखेगा। यहाँ पे CISF का कैंप है, जो कि सामने में दिख रहा है। यहाँ फोर्स हमेशा अवेलेबल रहती है, ताकि कोई भी अगर दुर्घटना घटे तो हमेशा अवेलेबल रहे। तो MOCP के अंदर 3 प्रोजेक्ट आता है, नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा एंड चिनागोरा। ये मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है और अभी हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्रोजेक्ट सामने में आपको कुछ मशीन्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमेशा डंपर और भारी गाड़ी चलते रहती है, जिसकी वजह से रोड जो है वो बहुत ख़राब है एंड बहुत ही कोल डस्ट से भरा हुआ है। यह आप सामने देख रहे होंगे कि फायर ब्रिगेड आ रही है, तो यहाँ पे BCCL की अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे आग लगी हुई है बहुत सारे जगहों पे, तो कभी भी मौका पड़ सकता है कि आग को बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता हो। सो दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑफिस के जैसा कुछ भी नहीं दिखेगा। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये सारे BCCL एम्प्लॉई है जो यहाँ पर काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये चलता फिरता प्रोजेक्ट का ऑफिस है, जहाँ पर जब भी काम स्टार्ट होता है ये ऑफिस वहीं पे मूव हो जाता है। आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, बस कुछ मशीन्स खड़ी है और मतलब एक दो छोटे छोटे सेट्स बने हुए हैं, जहाँ पे ये लोग शायद लंच करते होंगे। ये जो मशीनें आप देख रहे हैं ये डाउन है और इसमें मरम्मत का कार्य चल रहा है, बाकी जो मशीनें हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। तो अभी हम लोग व्यू पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं देखने के लिए व्यू पॉइंट से प्रोजेक्ट कैसा दिखता है। अब हम लोग यहाँ पे व्यू पॉइंट पहुँच चुके हैं। यहाँ पे आपको वो जो छतरी लगी हुई दिख रही है, वो प्रोजेक्ट का वहाँ से सीन दिखाई पड़ता है। लकली मुझे यहाँ प्रोजेक्ट पदाधिकारी एवं मुख्य अभियंता प्रभारी मौजूद मिले और ये प्रोडक्शन का साइट सीन कर रहे थे, तो मुझे इनसे प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने की अपॉर्चुनिटी मिल गई और मैं इनसे पूछने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से प्रोजेक्ट यहाँ पे विस्तारित है, सारा कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलिए आइए मिलते हैं प्रोजेक्ट पदाधिकारियों से। इंजीनियर इंचार्ज। सो आप लोग कुछ बताएंगे यहाँ पे कोल माइंस में कैसे काम होता है, क्या मतलब प्रोसेस है और किस टाइप का मशीन यूज करते हैं? हाँ वो तो है, थोड़ा सा बताइएगा तो अच्छा रहेगा। ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट में ओबी और कोयला डिफरेंट सीन्स में है। ओवर बर्डन है, ओवर बर्डन के बाद कोल है, कोल के बाद फिर ओवर बर्डन है, फिर कोल है, इस तरह से बटा हुआ है स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग ओवर बर्डन को हटाते हैं, उसके बाद कोल लेते हैं, फिर ओवर बर्डन हटाते हैं, फिर कोल लेते हैं, इस तरह का कंटिन्यूस प्रोसेस है। यहाँ पे जो हम लोग होता है तो 4 सिम है और 3 सिम है। अच्छा। तो ये ऊपर वाला जो है सो 4 सिम है, जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है। नीचे वाला 3 सिम है, देखिए बीच में ओवर बर्डन है, इसको हम लोग सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन से इसको यहाँ से हटाते हैं, वो भी और कोयला को रिमूव करते हैं और अपने अपने जगह पहुँचते हैं। अच्छा।
तो कोयला को मतलब निकालने के लिए विस्फोट भी किया जाता है, सायरन वगैरह आवाज आता है हमारे पास, तो उसमें बारूद वगैरह यूज करते हैं। अच्छा, तो कितना रिस्की है इसमें काम करना? रिस्की तो अगर आप सब कुछ है, आप चलते हैं तो वो भी रिस्क है, लेकिन सावधानी बरतते हैं तो कहीं कोई रिस्क नहीं। नहीं, ऐसा न्यूज आता रहता है हमारे पास कि आज यहाँ पे गड्ढा हो गया, और वो तो गड्ढा तो मेरा ये पार्ट ऑफ दी वर्क है। नहीं मतलब गोफ हो गया और जमीन धस गया। ये पहले से जो है धरती सीम नहीं है। हाँ। पहले से यहाँ अंडरग्राउंड चलता था, अंडरग्राउंड का जब स्कोप खत्म हुआ तो ओपन कास्ट आया। अच्छा, वो क्या है कभी कभी गैलरी मिलता है तो वो उसमें पार्टिंग कम होने से मशीन थोड़ा दब जाती है, गैलरी में चला जाता है। अच्छा, फिर उसको हम लोग निकालते हैं, लेकिन वैसा घटना कम होता है, रेयर कभी कभी होता है। अच्छा, वो नाम गलत होने से या लोकेशन गलत होने से कभी 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 होता है। अच्छा, रेगुलर बेसिस में नहीं होता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी मतलब कुछ जहरीली गैस का रिसाव होता है, मतलब वो अंडरग्राउंड केस में होता है। अंडरग्राउंड माइन चलती थी तो वेंटिलेशन पुअर होने से। अच्छा, इसमें वैसा कुछ रिस्क नहीं, फैन का जमाव हो जाता है। अच्छा, वो कभी कभी वो विस्फोटक है ना, इसलिए करके वो थोड़ा सा डेंजरस था, ओपन कास्ट में वो सिचुएशन नहीं रहता। अच्छा, तो कम रिस्क है माइंस मतलब ओपन कास्ट कंपेयर टू वो जो मतलब नॉर्मल जो अंडरग्राउंड से। अंडरग्राउंड भी सेफेस्ट माइंड में आता है। अच्छा, मतलब कि आप उसका जो नियम कानून है तो ऐसा नहीं है, सेम बरसों से काम होता है। अच्छा, कौन मेट्रो रेल में डर लगता है क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ, उसी तरह से। अच्छा, तो कोल्स में भी जैसे होते हैं कि ग्रेड होते हैं, टाइप्स होते हैं, उसका भी टेस्टिंग होता है, तो यहाँ पे मतलब किस टाइप का कोल निकलता है? कोल जैसे कोयला जो, हाँ, कोयला जो इसमें डिफरेंट ग्रेड्स है, हाँ, है ना, G1 G2 G3 G5 G6 इस तरह से है ना। तो मेरे यहाँ G6 है, वासरी 4 है। अच्छा, है ना, तो वो हम लोग सेल करते हैं। तो वो मतलब कैसा क्वालिटी माना जाता है? अच्छा क्वालिटी, अच्छा क्वालिटी है। अच्छा, कर वो फिर जाता है G5 वास होता है, वासरी जाता है, वासरी से वासरी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है और महंगा मिलता है, स्टील में जाता है। अच्छा, तो स्पेशल कंज्यूमर है हमारा। हाँ। वासरी है, पावर प्लांट है, क्रोकरीज है, भट्टा में जो जाता है अक्सर में सब कोयला सेल होता है, रैक से कोयला जाता है, रोड में जाता है, जिसका जैसा डिमांड है वैसा जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे तो नॉर्मल लोगों को जाना अलाउड नहीं होता होगा माइंस में? अलाउड तो नहीं है, लेकिन आप जैसे अंडरग्राउंड है या उसी में परमिशन लेकर लोग जाते हैं। अच्छा, परमिशन है मैनेजर, लेकिन हम लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, रिस्क हो जाता है तो आते हैं बोलते, लेकिन OCP में बेसिकली लोग OCP में व्यू पॉइंट से ही देखते हैं। अच्छा, अंडरग्राउंड में लोग बिना अंदर जाए तो देखेंगे तो उसमें लोग जाते हैं। अच्छा, मैं फिर आप मतलब सेफ्टी के साथ लेकर घूमने के लिए जाते हैं अंडरग्राउंड में कभी कभी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना हम लोगों को जानकारी दिए, थैंक यू सर। मतलब 150 मीटर दूरी से, 150 मीटर दूरी से कोयला हो चाहे वो भी हो, उठा के मैंने फेंक सकता है ये वाला मशीन। सिंगा के नाम से मशीन का नाम मुकुंद है। किस किस टाइप का मशीन से पापा यहाँ पे? शोवेल है, डंपर है, डोजर है, ड्रिल है, ग्रेडर है। और सबका नाम कैसे आप लोग यहाँ पे रखते हैं? जैसे कि मान लीजिए 5 है और कौन सा खराब हुआ है, क्या हुआ है, वो सब कैसे आप लोग? नामकरण हो गया है, अर्जुन सोबेल। अच्छा, गणपति सोबेल, वेंकटेश सोबेल, बलराम सोबेल, इस तरह से नाम देते हैं। सब जो आप मशीन्स देख रहे हैं, सोबेल, डंपर, ये सारे मशीन्स एक्चुअली ब्रेक डाउन है और ये सब यहाँ पे खड़ी है रिपेयर होने के लिए। तो एक बार ये फिर से जब रिपेयर हो जाएगी तो ये वापस से प्रोडक्शन में लग जाएगी। हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं और भी व्यू पॉइंट देखने के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट के वजह से पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचता है, बहुत ही धुआँ निकलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पास में ओवर डंप के ऊपर इको पार्क बनवाया गया है, जो गोकुल पार्क के नाम से पूरे धनबाद में फेमस है।
है। और अब चलते हैं पार्क के अंदर और देखते हैं पार्क कैसा है। सो फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं वो है हमारा गोकुल पार्क धनबाद का BCCL द्वारा निर्मित। ये बहुत ही हरा भरा है और इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। क्योंकि ये नया है तो भी पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, पर इसमें बहुत तरह के विभिन्न प्रजातियों के पेड़ लगाए गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा पोंड भी बना हुआ है जो बहुत सुंदर है और इसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे फूल के पौधे लगे हुए हैं जिसमें गेंदे के फूल मुझे बहुत सारी दिख रही है। बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में ये। हम लोग ये जो गोकुल पार्क आए हुए हैं, ये पहले एक कुछ और था और अभी यहाँ पे एक पार्क बन चुका है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। सिटी कोल फील्ड में कोयला उत्पादन के दौरान पहले वो भी हटाया जाता है, ब्लास्टिंग होता है, काफ़ी डस्ट उड़ते हैं और एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ ओबी डंप के ऊपर में इको पार्क बनाया जाए ताकि स्वच्छ वायु लोगों को मिलते रहे और श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारी से लोग बच सके, इसी उद्देश्य से ये पार्क का निर्माण हुआ। तो ओवी जैसे आप बता रहे हैं, ओवी क्या था, मतलब यहाँ पे भी पहले कोल माइंस था आपके कहने के? नहीं, जैसे प्रोडक्शन के द्वारा जैसे ओवी को कहीं डंप करने के लिए जगह चाहिए तो डंप करते करते ये विशाल ऊंचा सा एक पर्वत का रूप हुआ, उसको डोजरिंग करके समतल फील्ड बनाया गया और उसमें करीबन 1 फीट मिट्टी फैलाकर फिर पौधारोपण वृक्षारोपण किया गया। आज देखिए हमारा पार्क इस ओबी डंप के ऊपर में कितनी शानदार लग रहे हैं। तो ओबी डंप मतलब कि जो एक्स्ट्रा मट्टी जो वेस्ट निकलता है माइंस के दौरान, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये माइंस के दौरान निकले हुए मट्टी के द्वारा बनाया हुआ पार्क है, के ऊपर बनाया हुआ पार्क है और ये बहुत ही खूबसूरत है। इसमें छोटा सा पोंड भी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोटस निकले हुए हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है BCCL के द्वारा किया गया और ये पार्क जो बना है, आप कभी भी यहाँ पे आके रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर सकते हैं। ये 6 एकड़ में फैला हुआ है टोटल, जैसा कि बता रहे वो ये 6 एकड़ में फैला हुआ है। और इसको और भी विस्तारीकरण किया जा रहा है, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कि ये एक समतल मट्टी बनाया डाल करके बनाया गया और उसके ऊपर से ये पेड़ लगा करके इतना सुंदर सा पार्क बनाया गया है ताकि वो जगह वेस्ट ना हो सके। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, इन्वायरमेंटल बेनिफिट के लिए ये पार्क BCCL द्वारा निर्मित। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे कितने डेंजर में रह रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अपने मतलब BCCL के एरिया में घुस के रह रहे हैं और यहाँ पर ये जहरीला धुआं बाहर निकल रहा है, क्योंकि क्या होता है जो कोल्स होते हैं वो अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं, उससे मिथेन और बहुत तरह के जहरीली गैस निकलती रहती है। तो दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स। तो दोस्तों, अब हम लोग पार्क घूमने के बाद जा रहे हैं एक मंदिर की ओर। ये मंदिर भी पार्क के उस पहाड़ी के ऊपर ही बनी हुई है। ये काली माँ का मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर का निर्माण इस प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। ये छोटा सा बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कोयला ब्लॉक के बारे में बताया गया है कि सरकार द्वारा कितने सारे कोयला ब्लॉक बढ़े हैं अभी तक कोल इंडिया के पास। फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस की ओर जा रहे हैं और रास्ते में हमें बहुत सारे ऐसे गोफ दिख रहे हैं जहाँ पे मट्टी डाला हुआ है
और जिसको ढका गया है क्योंकि अंदर में जो जलता हुआ कोयला है उसके वजह से धुआं बाहर निकलता हुआ रहता है। आप देख सकते हैं रास्ते पे यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि किस तरह से अंदर में आग लगी हुई हो और धुएं का रिसाव हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा BCCL का एक प्रोजेक्ट, मुकुंदा MOCP प्रोजेक्ट, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, जिसको हम लोगों ने आज विज़िट किया और हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट घूम करके। आप देख रहे हैं अब शाम के टाइम हो चुकी है, लेबर लोग अभी अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं और हम भी अब वापस जाने की तैयारी में हैं। ये जो एक जम्पर सामने से आता हुआ दिख रहा है वो रास्ते में पानी गिराता हुआ जा रहा है क्योंकि डस्ट जो है वो गाड़ी के वजह से बहुत उड़ती है। तो ये सारा एक मतलब ध्यान रखा जाता है कि लोगों को थोड़ी कम परेशानी हो, डस्ट कम उड़े। और अब आप ये देख सकते हैं कोल बेंच से निकाला हुआ कोयले को डंपर कोल डिपो की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को BCCL से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ देकर हमें भी बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।